हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप सभी ठीक होंगे। मैं हूं अभिषेक और आप देखना शुरू कर चुके हैं स्टडी विद अभिषेक। भारतीय नौसेना इंडियन नेवी MRSSR एग्जामिनेशन स्पेशल GKGS रैपिड फायर क्वेश्चंस की सीरीज लेकर आया हूं मैं आप लोगों के लिए। इस सीरीज में हर एक पार्ट में 15 क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे जो कि 10 मिनट्स में कंप्लीट कर लेंगे हम। पार्ट वन है ये। इसमें पिछले INET एग्जामिनेशन के आधार पर क्वेश्चंस को तैयार करा है मैंने। इसमें टोटल 15 क्वेश्चंस हैं जिसमें कट ऑफ मैंने रखा है 12 मार्क्स का, यानी कि आपको ट्राई करना है कि एटलीस्ट 12 नंबर तो आप लाए ही, और साथ ही साथ लास्ट में आपको कमेंट करके बताना है कि आपका स्कोर कितना रहा। उसके साथ में नेवी एग्जामिनेशन में जो बार बार रिपीट होते हैं वही क्वेश्चंस मैंने रखा है, और इन्हें अगर आप लगा लेते हो तो 100% गारंटी आप एग्जामिनेशन को क्लियर कर लोगे। फर्स्ट पार्ट को स्टार्ट करने से पहले बोलूंगा, अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हो, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस करके ऑल सेलेक्ट कीजिए, इस वीडियो को एक लाइक और एक शेयर जरूर कीजिए। उसके साथ में टेलीग्राम पर हमें ज्वाइन कीजिए, वहां पर क्विजेस और बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट्स आपको मिलेंगी, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। उसके साथ में रक्षक ऐप पर टेस्ट सीरीज आ गई है MRSSR एग्जामिनेशन के लिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक है रक्षक ऐप का। कैसे टेस्ट सीरीज को परचेस करना है, लेना है, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में है। पहले इंस्टॉल कीजिए रक्षक ऐप को, वहां पर चेकआउट कीजिए। अगर आपको टेस्ट सीरीज में डेमो टेस्ट अच्छी लगती है जो कि फ्री है, तो उसे लगाने के बाद आप उसे परचेस कीजिए। भी 50 अगर आप यूज करेंगे तो आपको 50% का डिस्काउंट मिल जाएगा, तो जाइए इसे भी जरूर चेकआउट कीजिए। स्टार्ट करते हैं और देखते हैं क्वेश्चंस को। 6 अक्टूबर, 7 अक्टूबर, 8 अक्टूबर और 9 अक्टूबर। इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि 9 अक्टूबर को जो है विश्व डाक दिवस मनाया जाता है। एक और सवाल इससे रिलेटेड आ जाता है, वो है कि राष्ट्रीय डाक दिवस कब मनाया जाता है, तो इसकी तरह ही 10 अक्टूबर को हमारे यहां राष्ट्रीय डाक दिवस मनाया जाता है, ये भी आप लोग याद रखिएगा। दोनों क्वेश्चन हो जाएंगे आपके। क्वेश्चन नंबर 2, व्हेन वाज द सती प्रथा बैंड एंड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग गवर्नर जनरल। सती प्रथा पर प्रतिबंध कब और किस गवर्नर जनरल द्वारा लगाया गया? 1853 लॉर्ड डलहौजी, 1829 लॉर्ड विलियम बैंटिक, 1793 लॉर्ड कार्नवालिस और 1800 लॉर्ड विलेजली। किसके द्वारा लगाया गया था? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि 1829 में लॉर्ड विलियम बैंटिक ने जो है सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाया था, और इनका सहयोग जिन्होंने किया था उनका नाम था राजा राममोहन राय। राजा राममोहन राय को आधुनिक भारत का जन्मदाता, पिता या जनक भी बोला जाता है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 यहां पर है, वॉरेन हेस्टिंग्स किस वर्ष भारत में बंगाल के पहले गवर्नर जनरल बने? 1780, 1770, 1773 और 1775। इसका सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा, 1773 में वॉरेन हेस्टिंग्स को भारत में बंगाल का पहला गवर्नर जनरल बनाया गया था। याद रखना 1773 से 85 तक ये बंगाल के गवर्नर जनरल रहे। और अगर पूछा जाएगा कि भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे, तो आप याद करके रख लेना, लॉर्ड विलियम बैंटिक जो थे ये भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे, बंगाल के वॉरेन हेस्टिंग्स। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट जो है आपकी स्क्रीन पर, व्हेन वाज द इंडियन नेशनल कांग्रेस एस्टैब्लिश्ड। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब की गई थी? 1885, 1887, 1880 और 1882 में। इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि 1885, 1885 में इसकी स्थापना की गई थी, 28 दिसंबर 1885 को, याद रखना आप लोग, बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये भी आप लोग याद रखना कि इसके पहले प्रेसिडेंट यानी अध्यक्ष जो थे विमेश चंद्र बनर्जी थे, और इसकी स्थापना AO ह्यूम ने की थी, ये भी आप लोग याद करके रख लेना। क्वेश्चन नंबर 5 है, हु फाउंडेड द आर्य समाज। आर्य समाज की स्थापना किसने किया था? स्वामी विवेकानंद, स्वामी दयानंद सरस्वती, राजा राममोहन राय और केशव चंद्र सेन। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने आर्य समाज की स्थापना की थी, और आर्य समाज की स्थापना तब बॉम्बे बोला जाता था, मुंबई को, बॉम्बे में की गई थी, और कब की गई थी? 1875 ईस्वी में की गई थी, यह भी आप लोग याद रखिएगा। ब्रह्म समाज की स्थापना जो है, इन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी, और ये जो की गई थी, ये की गई थी 1828 में, ये भी आप लोग याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 जो है, दादा साहब फाल्के पुरस्कार की शुरुआत कब हुई? व्हेन वाज द दादा साहब फाल्के अवार्ड स्टार्टेड?
1970 में, 1975 में, 1969 में और 1961 में। इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 1969 में दादा साहब फाल्के पुरस्कार की शुरुआत हुई थी और इसमें पहले रिसिपिएंट जो थी यानी कि फर्स्ट जिन्हें मिला था उनका नाम था देविका रानी। क्या नाम था उनका? देविका रानी जी थी, इनको दिया गया था। और कब की दिया गया था? 1970 में। और आखिरी रिसिपिएंट की बात करें मतलब अभी जो फिलहाल है 52nd, वो दिया गया किसको? याद रख लेना आप लोग, आशा पारेख जी को। किसे? आशा पारेख जी, ये भी अभिनेत्री हैं, इन्हें दिया गया। ये 52nd हुआ, याद रखना। क्वेश्चन नंबर 7, वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ WHO लोकेटेड? WHO का मुख्यालय कहां स्थित है? वॉशिंगटन अमेरिका, टोक्यो जापान, जिनेवा स्विट्जरलैंड और लंदन UK। इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी जिनेवा स्विट्जरलैंड में इसका मुख्यालय है। WHO जो है बेसिकली इसका फुल फॉर्म जो हो जाता है, फुल फॉर्म भी पूछ लिया जाता है एग्जामिनेशन में नेवी के द्वारा, ये ध्यान रखना, इसका फुल फॉर्म हो जाता है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के नाम से इसे जाना जाता है, इसका फुल फॉर्म यही होता है। और इसकी जो स्थापना की गई थी ये भी आप लोग ध्यान से याद रख लेना, क्या पता पूछ लिया जाए, 7 अप्रैल 1948 को की गई थी। इसे विश्व स्वास्थ्य संगठन बोला जाता है, ये भी आप लोग याद करके रख लेना, ठीक है। इसके वर्तमान में अध्यक्ष जो है टेड्रोस एडहनॉम है इसके अध्यक्ष अभी वर्तमान में जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 8, हु इज द ऑथर ऑफ आईने अकबरी? आईने अकबरी के लेखक कौन है? अब्दुल रहीम खाने खाना, अबुल फजल, दारा सिको और टोडरमल। इसका सही जवाब हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन बी, अबुल फजल जो है ये ऑथर हैं आईने अकबरी के। क्वेश्चन नंबर 9, विद विच गेम इज द होपमैन कप एसोसिएटेड? होपमैन कप किस खेल से संबंधित है? टेनिस, फुटबॉल, कबड्डी और क्रिकेट। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि टेनिस से संबंधित है होपमैन कप। क्वेश्चन नंबर 10, हु अमंग द फॉलोइंग इज नोन एज देशबंधु? निम्न में से किसे देशबंधु कहा जाता है? बाल गंगाधर तिलक, जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल और चितरंजन दास। इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी चितरंजन दास जी को बोला जाता है। इन्होंने 1 जनवरी 1923 को एक पार्टी बनाई जो कि स्वराज पार्टी के नाम से जानी जाती है, यह भी आप लोग याद रखिएगा। चितरंजन दास और मोतीलाल नेहरू के द्वारा ये बनाई गई थी। क्वेश्चन नंबर 11 है, हु लेड द फाउंडेशन ऑफ अमृतसर सिटी? अमृतसर शहर की नींव किसने रखी? गुरु अर्जन देव, गुरु रामदास, गुरु नानक और गुरु गोविंद सिंह। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि गुरु रामदास जी ने ये करा था। और ये भी आप लोग जान लीजिए कि इन्होंने जो करा था ये 1574 में इन्होंने स्थापित करा था। ये भी आप याद रखना कि गुरु अर्जन देव जी जो थे ये 5th गुरु थे, गुरु रामदास जी 4th गुरु थे, गुरु नानक 1st गुरु थे और गुरु गोविंद सिंह जी 10वें और आखिरी गुरु थे। ये भी आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि एग्जाम में इस तरीके से भी पूछ लिया जाता है क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 12, कांग्रेस का गरम दल और नरम दल में विभाजन निम्न में से किस वर्ष हुआ था? 1901, 1907, 1913 और 1916। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 1907 में नरम दल और गरम दल में विभाजित हो गई थी कांग्रेस। ये सूरत अधिवेशन था, ये भी आप याद रखिएगा, और सूरत अधिवेशन में ऐसा हुआ था, इसे जो है सूरत विभाजन के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 13, मानव ने सबसे पहले किस धातु का प्रयोग करना आरंभ करा? लोहा, सोना, चांदी और तांबा। इसका सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी कि ह्यूमंस फर्स्ट स्टार्ट यूजिंग कॉपर। क्वेश्चन नंबर 14, विच डेटी हैज बीन कॉल्ड पुरंदर इन द ऋग्वैदिक पीरियड? यानी ऋग्वेद काल में पुरंदर किस देवता को कहा गया? वरुण, अग्नि, इंद्र और सूर्य। इसका सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी इंद्र देवता को पुरंदर के नाम से जाना गया किसके अंदर? ऋग्वैदिक काल के अंदर। निप्पोन उगते हुए सूर्य की भूमि कहा जाता है। विच कंट्री इज कॉल्ड निप्पोन द लैंड ऑफ द राइजिंग सन? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि जापान। जापान को जो है वो लैंड ऑफ राइजिंग सन के नाम से जाना जाता है, उगते हुए सूर्य की भूमि, उगते हुए सूर्य का देश, कैसे भी पूछा जा सकता है। निप्पोन की भी मीनिंग वही होती है जहां से सूर्य की उत्पत्ति हुई हो। ये निप्पोन जो है ये जापानीज
लैंग्वेज में एक वर्ड है जिसका मतलब होता है कि सूर्य की उत्पत्ति, तो ये इसी देश को माना जाता है। यहां पर एक और फैक्ट है कि नॉर्वे को द लैंड ऑफ मिडनाइट सन बोला जाता है। क्या बोला जाता है? द लैंड ऑफ मिडनाइट सन। तो ये भी आप लोग याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट। तो होप करता हूं कि आप लोगों को ये वीडियो काफी अच्छी लगी होगी। पहला पार्ट बहुत ही जबरदस्त तरीके का लगा होगा, इससे भी ज्यादा अच्छे तरीके से मैं क्वेश्चंस को सेट कर रहा हूं जो कि आईनेट एग्जामिनेशन से सीधे आप लोगों को मैं बताऊंगा, जो रिव्यूज मिले हैं कैंडिडेट्स के द्वारा, साथ ही साथ जो ऑफलाइन एग्जामिनेशन हुए हैं उसके आधार पर भी, क्योंकि आपको दो एग्जाम देना है तो इसलिए दोनों के लिए तैयारी कर रहे हैं अपन। तो पूरी अच्छे तरीके से होप करता हूं आपने वीडियो देखी है, आप अपना स्कोर जरूर कमेंट कीजिए। उसके साथ में अगर ये सीरीज आपको अच्छी लगती है तो और भी अलग अलग टॉपिक्स पे मैं वीडियो आपको दूंगा इस एग्जामिनेशन के लिए। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलता हूं एक और वीडियो के साथ, तब तक आप अपना ख्याल रखिए, सबका ख्याल रखिए। वीडियो को शेयर नहीं किया तो शेयर कीजिए और लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। उसके साथ में चैनल पर न्यू हो, इंडियन नेवी की तैयारी करना चाहते हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके ऑल कर लेना। थैंक यू सो मच एवरीवन। जय हिंद।